हेलो गाइस, इंडियन आर्मी जेट पैक सूट कोड डिवर्ट इन कश्मीर कैन ऑल्सो बी यूज टू डिफेंड की पॉइंट्स नियर चाइना एंड पाकिस्तान इंडियन आर्मी यूज़ करेगी जेट पैक सूट जो कि कश्मीर में आएगा और यूज़ किया जाएगा बॉर्डर एरिया में जो कि सटे होंगे चाइना और पाकिस्तान से द इंडियन आर्मी इज़ टर्निंग इट सोल्जर इन टू आयरन मैन टू बुलस्टर इट सर्विलेंस कैपेबिलिटी ऑन द बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान एंड यूज इट इन द टेर इंफ्रास्ट्रक्टेड जम्मू एंड कश्मीर इट मे सून हैव सोल्जर्स इन जेट पैक सूट इन सेमी अर्बन एंड अर्बन वॉरफेयर सीनारियो इंडियन आर्मी जो है अपने जवानों को आयरन मैन बनाना चाहती है आप लोगों ने मूवी देखी होगी अब वही आयरन मैन अब इंडियन आर्मी होगा हर एक जवान जो कि सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा यानी निगरानी करने की क्षमता को चाइना और पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर में और यूज करेगा टैर इंफ्रास्ट्रक्टेड जम्मू एंड कश्मीर तो इस इंडियन आर्मी के पास अब ऐसे सोल्जर्स होंगे जिनके पास जेट पैक होगा सेमी अर्बन यानी रूरल एरिया होगा या जहाँ पे अर्बेन हो रहा है और अर्बन वॉरफेयर सिनेरियो भी होगा मतलब सिटी है जेट पैक प्रोपेल दिन द एयर थ्रू द इंजन रनिंग ऑन गैस आर लिक्विड फ्यूल अकॉर्डिंग टू जनवरी दो टेंडर फ्लोटेड बाई इंडियन आर्मी द जेट पैक सुड बी एबल टू कैरी अ पर्सन वेटिंग एट लीस्ट एट्टी किलोग्राम इट्स बी एबल टू फ्लाई एट द स्पीड ऑफ एटलीस्ट फिफ्टी किलोमीटर पर आवर फॉर एटलीस्ट एट मिनट जेट पैक सूट जो होगा इसमें जो प्रॉपर वीर होगा इन द एयर थ्रू इंजन मतलब इसमें एक तरह का इंजन लगा होगा जो कि रन करेगा गैस पे या लिक्विड फ्यूल पे जनवरी दो हजार तेईस टेंडर जो फ्लोट हुआ इंडियन आर्मी के द्वारा जो जेट पैक होगा वो कैरी करेगा पर्सन का वजन अस्सी किलोग्राम से ज़्यादा या अस्सी लाख ग्राम तक और फ्लाई करेगा फिफ्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम से कम आठ मिनट या उससे ज़्यादा से रिसेंटली द आर्मी एयरबॉन ट्रेनिंग स्कूल इन आगरा गॉट डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ओन बाय एक्स मैरिन एंड इनोवेटर रिचार्ड ब्राउनिंग ब्राउनिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड द टेक्नोलॉजी फ्लाइंग इट ओवर वाटर बॉडीज रोड्स एंड फील्ड इन आगरा अभी अभी रिसेंटली आर्मी ने आर्मी एयरबॉन्ड ट्रेनिंग स्कूल है जो ए आगरा में इसने डिमॉन्सट्रेशन लिया ब्रिटिश कंपनी की तरफ से ग्रेविटी इंडस्ट्री है इसका नाम जो कि ओन किया जाता है इसकी कंपनी का मालिक जो है एक्स मैरिन और इनोवेटर है जिनका नाम है रिचार्ड ब्राउनिंग और ब्राउनिंग ने कहा है डिमॉन्स्ट्रेट किया टेक्नोलॉजी को फ्लाई किया इसको ओवर वाटर बॉडी रोड एंड इन आगरा आगरा में उड़ा के दिखाया गया इस सूट को टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ दिस सूट एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर पोस्टेड इन कश्मीर टोल देशन टाइम्स दिस जेट पैक आर कमिंग एज एन एरियल सर्विलेंस प्लेटफॉर्म इट्स विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर इंस्टेंस इट विल बी लेस इफेक्टिव इन टन विजिटेशन आल्सो देंट फैक्टर हैजू बी कैटर्ड फॉर इन आयर रिचे ऑफ माउंटेंस ही नेम्ड एज इज़ नॉट ऑटोराइज टू स्पीक टू द मीडिया उन्होंने जो ये आर्मी सूट है उसके बारे में बताया है ये जो पर्सन बताएँ अपना नाम नहीं बताया क्योंकि इनको ऐसा कहने के लिए नहीं कहा गया था लेकिन तब भी इन्होंने यूरेशियन टाइम्स को बताया है जिसके हिसाब से जो जेट पैक होगा ये आएगा एरियल सर्विलेंस प्लेटफॉर्म के साथ मतलब निगरानी करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा काम होगा और एग्जाम्पल के लिए ये टेरन एरिया में यहाँ जहाँ पे पहाड़ हैं वहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल हो पाएगा वहाँ पर अच्छे से निगरानी नहीं कर सकता ये साथ में जहाँ पर क्लाउड होगा विंड फैक्टर होगा वहाँ पर भी ये अच्छे से काम नहीं कर सकता हायर रिचेस ऑफ माउंटेंस पे और साथ में लेकिन ये जो लैंड है वहाँ पे अच्छे से काम कर सकता है पानी के अंदर तो नहीं लेकिन हाँ उसके ऊपर से निगरानी कर सकता है माउंटेन के ऊपर थोड़ा दिक्कत रहेगा क्योंकि क्लाउड रहेगा बादल रहेंगे साथ में बिजली का भी डर रहेगा क्योंकि बारिश और बिजली इनका कभी कुछ पता नहीं होता है कब हो जाए बाय द कन्वर्सेशन विद द इंडियन आर्मी ऑफिसियर इट अपेयर दैट द जेट पैक सोट कोट सोन डिबर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इंडियन ऑफिसर ने बताया है कि जो जेट पैक होगा हो सकता है सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में आए उसके बाद अदर स्टेट्स में आएगा द इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट फॉर द पर्चेज मैंशन द सूटेबिलिटी ऑफ़ द इक्विपमेंट फॉर डिजर्ट मैरिन एंड माउंटेन वॉरफेयर इंडियन आर्मी को ज़रूरत इस सूट की इसलिए है क्योंकि वो जो है इस तरह के सूट को यूज़ करना चाहते हैं डिजर्ट में मैरिन में यानी पानी में उसके अंदर भी हो सकता है मैरिन में हो सकता है ऊपर ही ऊपर हो साथ में माउंटेन सरफेस मतलब माउंटेन पहाड़ पे भी अगर युद्ध होता है तो वहाँ पे भी इस सूट का काम आ सकता है अनदर ऑफिसर पॉइंटेड आउट जेट पैकिंग वुड नॉट जस्ट बी अबाउट प्रॉपलिंग थ्रू द एयर द सोल्जर कैन बी इक्विप्ड विद अदर टेक्नोलॉजीज लाइक infrared गूगल्स टू स्कैन टेक vegetation टू identify enemy combatants एक और ऑफिसर ने कहा है कि केवल इस सूट को यूज नहीं किया जाएगा हवा में उड़ने के लिए बल्कि इसमें ऐसे गूगल्स लगाए जाएंगे जिसमें इंफ्रॉटेड रेस होंगी मतलब रात के समय भी वो लोगों को देख सकता है अगर दुश्मन लोग आते हैं तो उनकी भी नजर रख सकता है टेक फॉरेस्ट में जहाँ पर घने जंगल होंगे वहाँ पे भी काम आएगा ये सूट साथ में ये आइडेंटिफाई करेगा एनिमी के कॉम्बिनेशन को क्या क्या हथियार है उनके पास और वो उनकी जानकारी इंडियन आर्मी को देगा द मिलिट्री स्ट्रेटजीज आर ऑल्सो लुकिंग एट जेट पैकिंग एज एन अनदर सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूटर इन द टेक्टिकल बैटल स्पेस एक्न टू द ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑन द बैटल फील्ड द टेक्नोलॉजी कैन बी यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर टू काउंटर टेररिस्ट इन अर्बन एंड सेमी अर्बन सेटिंग्स मिलिट्री स्ट्रैटेजीज जो है ये लुक करें ऐसे जेट पैकिंग के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिज्रप्टर होगा इन द टैक्टिकल बैटल स्पेस तो आजकल आप जानते ही होंगे कि टैक्टिकल बैटल स्पेस अंतरिक्ष से पाँचों जगह से अंतरिक्ष जमीन वायु ऐसी कोई जगह नहीं स्पेस साइबर क्राइम जितना भी आप सुने होंगे सब जगह से हमला होता है तो उसी में जेट का भी आप रोल होने वाला है आगे समय में तो आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है बैटल में आपने सुना होगा यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हो रहा है उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है तो उसी तरह इंडियन आर्मी आयरन मैन का सूट की तरह काम करना चाहती है उसके लिए वो सूट को इस्तेमाल करके देख रही है टेस्ट कर रही है डा टेक्नोलॉजी कैन बी यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर टू द काउंटर द टेरिस्ट इन अर्बन एंड सेमी अर्बन सेटिंग तो आप लोग जानते होंगे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियन आर्मी को थोड़ी परेशानी होती है घने जंगल में जहाँ पे नक्सलवाद टेररिजम ये सब इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़े ख़तरे हैं और हर साल हमारे देश के जवान इन लोगों के हमले में शहीद हो जाते हैं तो इसीलिए इंडियन आर्मी कुछ ऐसे उपायों को ढूंढ रही है जिसमें ये आर का सूट जो है बहुत ही अच्छा उपाय है और यकीन मानिए अगर ये सूट काम कर गया तो फिर नक्सलवाद और टेरिज्म दोनों खत्म हो सकते हैं ग्रेविटी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड द मिलिट्री वॉस जेट सूट इट वॉज द फर्स्ट मैनुफैक्चर ऑफ द जेट सूट द डिमांसट्रेटर इट्स मिलिट्री यूज ड्यूरिंग अ नाटो माउंटेन वारफेयर रेस्क्यू एक्सरसाइज हेल्ड इन स्लोनिया इन दिसंबर दो हज़ार इक्कीस ग्रेविटी इंडस्ट्रीज़ ने पहली बार और सबसे पहले डेवलप किया है मिलिट्री एक्सरसाइज जेट सूट को ये पहला मैनुफेक्चर है जेट सूट का जो कि डिमॉन्सट्रेट करता अपने मिलिट्री यूज़ को नाटो माउंटेन वॉरफेयर रेस्क्यू एक्सरसाइज में जो कि सुलोवानिया में हुआ था दिसंबर 2021 हज़ार इक्कीस में द नीड फॉर दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंडियन आर्मी बींग इन्वॉल्व इन दिस के मिसेज विद पीपल लिबरेशन आर्मी एलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन द इंडिया एंड चाइना विद द टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज राइजिंग द जेट पैक वुड एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर सोल्जर्स एट हाई एल्टीट्यूड जो जरूरत है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की नई नई टेक्नोलॉजी की या यह बैकड्रॉप ऑफ द इंडियन आर्मी मतलब जहाँ पे इंडियन आर्मी नहीं जा सकती वहाँ पे यह टेक्नोलॉजी जाएंगी इन्वॉल्व होंगी स्केर मिसेज में विद द पीपल लिब्रेशन आर्मी मतलब चाइना के लिए एक मुंह तौर जवाब होगा अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन द इंडिया एंड चाइना जिसमें जो टेंशन है दोनों देशों के बीच में बढ़ते जा रहे हैं जेट पैक जो होगा वो एक्ट करेगा फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ फॉर द सोल्जर्स एट हाई अल्टीट्यूड तो, तो यहाँ पर जो जेट पैक होगा ऊंची ऊँची जगहों पर मान लो पहाड़ पे सियाचिन में यहाँ पर जो जो ऊँची ऊँची जगह यहाँ पर ये जेट पैक अच्छा काम करेगा अकॉर्डिंग टू द कंपनी जेट सूट इज पावर्ड बाई अ फाइव गैस टर्बाइन इंजन डैट जनरेट मोर देन थाउजेंड हार्स पावर एंड प्रोड्यूस वन फोर्टी फोर किलोग्राम ऑफ ट्रस्ट अलाउंग वर्टिकल लिफ्ट ऑफ अप टू ट्वेल्व थाउजेंड फीट कंपनी के हिसाब से जो जेट सूट जेट सूट है ये पावर किया गया है पाँच गैस टर्बाइन इंजन के द्वारा जो कि जनरेट करेगा हज़ार से ज्यादा हार्स पावर प्रोड्यूस करेगा वन फोर्टी फोर किलोग्राम ऑफ ट्रस्ट जो कि अलाव करेगा इसको वर्टिकल लिफ्ट ऑफ अप टू ट्वेल्व थाउजेंड फिट बारह हजार फीट तक ये उड़ सकता है बारह हजार फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है और क्या चाहिएगा इस बारह हज़ार फीट आप समझ नहीं सकते मतलब माउंटेन के एकदम चोटी पर जा सकते हैं जी इट रन ऑन अ जेट फ्यूल डीजल एन कैरोसिन द टेक्नोलॉजी इज स्टार्टेड फॉर सर्च एंड रेस्क्यू एंड द मेडिकल रेस्क्यू ऑपरेशन बट द मिलिट्री इज इमेजिंग पॉसिबल सीनारियो ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन स्पेसलाइट मिलिट्री ऑपरेशन ये रन करता है जेट फ्यूल पर डीजल पे कैरोसिन पे टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया सर्च करने के लिए रेस्क्यू करने के लिए मेडिकल रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो सकता है इससे लेकिन जो मिलिट्री है इमेजिन करिए पॉसिबल सीनारियो ऑफ दियर इंप्लॉयमेंट इन स्पेशलाइज मिलिट्री ऑपरेशन तो स्पेशलाइज मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जैसे आपने आयरनमैन की मूवी देखी होगी उसी तरह का स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन करने के लिए इंडियन आर्मी इस तरह के सूट को देखना चाहती है और उसी के लिए वो मैगजीन करके इस सूट के टेस्टिंग कर रही है अमेरिन कमांडो मार्कोस ऑफ द इंडियन नेवी वाइल टेकिंग टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल इंप्लाइबिलिटी ऑफ दिस जेट पैक सूट सेट द जेट पैक हैज़ अ नाइस कैपेबिलिटी इट इज मॉड ऑफ इंसन वन कैन गो अगेंस्ट एन अन एनिमी आर लाइटली आउंड लोकेशन वन गैन क्विकली गेन द वेंटेज पॉइंट्स फॉर द रिकॉन्सन इंटेलिजेंस गैदरिंग आर आर प्लेसिंग अ स्नाइपर ऑल्सो ही पॉइंट्स आउट दैट द जेट पैक कैन बी यूज फॉर क्विक एक्से फिल्ट्रेशन ए टू इज नॉट ऑथोराइज टू स्पीक टू द मीडिया एंड हैंज नॉट नेम एक मार्कोस कमांडो ने बताया है कि जो जेट पैक है ये नाइस कैपेबिलिटी इसमें अच्छी कैपेबलिटी है ये मोड ऑफ इंसर्शन है और ये अन आर्म्ड एनिमी के पास जा सकता है मतलब जिसके हाथ में हथियार ना हो ये लाइट आर्म्ड लोकेशन में जा सकता है जहाँ पे दुश्मनों के पास हथियार हो साथ में उन लोगों को तगा भी कर सकता है और क्विकली गेन कर सकता है वेंटेज पॉइंट फॉर द रिकी अगर हमला होता है तो उसके खिलाफ यह जवाब देना अच्छा है इंटेलिजेंस गैदरिंग वहाँ की जानकारी इकट्ठा कर सकता है प्लेसिंग अ स्नाइपर वहाँ पर स्नाइपर लगा कर शूट भी कर सकता है दूर से ऑल्सो उन्होंने पॉइंट किया कि जेट पैक है वो यूज़ हो सकता है क्विक एक्सफिल्ट्रेशन के लिए हे टू उनको भी मतलब बोलने के लिए नहीं कहा गया उन्होंने अपने नाम नहीं बताया लेकिन उन्होंने जानकारी दी है यूरेशन टाइम्स को तो आप देख सकते हैं फोटो यहीं इसी तरह का जेट पैक जो है इंडियन आर्मी टेस्ट कर रही है द यूकेस रॉयल नेवी एंड द यू एस मैरिन कॉप्स ऑलरेडी यूज दिस जेट पैक सूट्स इन द वेरियस लिमिटेड रूल्स अमेरिका की सेना और यूके की रॉयल नेवी दोनों जो हैं ये यूज़ कर रही हैं इस तरह के जेट पैक को कुछ लिमिटेड एरिया में हर जगह नहीं लेकिन लिमिटेड एरिया में इसका रोल महत्व तो दे रहा है द मैरिन कमांडो ऑल्सो इम्फोसाइज दट द इंडियन फोर्सेज आर नोन टू डिप्लॉय दियर वेपन्स इनोवेटिव द फुल वैल्यू ऑफ देयर मनी ई साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ द एट ओ एस ए क्लास मिसाइल बोर्ड इंडिया प्रोक्योर्ड फ्राम रशिया बिफोर नाइनटीन सेवेंटी वन इंडिया पाकिस्तान वॉर ईच ऑफ दिस सेवेंटी टन बोट्स कैरिट फोर डेडली मिसाइल्स मैरिन टाइम कमांडोज ने तारीफ की है इंडियन फोर्सेज की जिनको जाना जाता है डिप्लॉय करने के लिए वेपन्स पूरी इनोवेटिवली नए नए तरीके से जो कि फुल वैल्यू देती है अपनी मनी की मतलब पैसा वसूल हथियार एकदम धमाकेदार दुश्मनों को मुँह तो जवाब देती है साथ में उन्होंने कहा कि जो एग्जाम्पल दिया है एट ओ क्लास मिसाइल बोट का जो इंडिया ने लिया था रशिया से नाइनटीन सेवेंटी वॉर के वन के वॉर के पहले यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ था और जो ये ओ क्लास मिसाइल बोट है इसमें सत्तर टन बोट है इसका वजन कैरी करती है चार डेडली मिसाइल्स दे हैड अ टॉप स्पीड ऑफ फोर्टी नॉट्स बट अ लिमिटेड एंडोरेंस रशिया यूज फॉर कोस्टल सर्विलांस द इंडियन नेवल वॉरशिप टोअ दिस बोट्स आउटसाइड कराची वेयर दिस साइंक पाकिस्तानी शिप्स एंड सैट द कराची हार्बर अबलेज दाफ्टर दे मैड अ क्विक डैस आउट ऑफ द रेंज ऑफ द इनकमिंग पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इसके टॉप स्पीड 40 नॉट्स है लेकिन लिमिटेड एंडोरेंस है रशिया ने यूज़ करती है इसको कोस्टल सर्विलेंस के लिए इंडियन नेवी वॉरशिप जो थी इन्होंने यूज़ किया था इस बोट को कराची के बाहर जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के शिप को डुबा दिया था और कराची हार्बर को अबलेज कर लिया था जो आफ्टर उन्होंने क्विक डैश किया था आउट ऑफ द रेंज वहाँ से तुरंत निकल गए थे इस सिप को मार के इनकमिंग पाकिस्तानी फाइटर जेट्स क्योंकि फ़ाइटर जेट्स आने वाले थे तो गाइस तब तक के भाई लोग जय हिंद जय जा भारत गुड बाय बाय बाय